क्या आत्मा कॉन्शियसनेस एक ही बात है या अलग? निर्भर करता है कि कॉन्शियसनेस आप किसको कह रहे हैं। अवेयरनेस अलग होते हैं। पहली बात तो फिर ये कि कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस अलग अलग हैं। यदि कॉन्शियसनेस इतनी शुद्ध हो कि अवेयरनेस हो, कॉन्शियसनेस चेतना, अवेयरनेस बोध, चेतना मतलब जैसे आप अभी अपने आप को चैतन्य अनुभव करते हैं। आप कब चैतन्य अनुभव करते हैं अपने आप को? जब आप कुछ सोच पाते हैं, देख पाते हैं, सामने वाले की बात कर पाते हैं, जब एक जगत आपको भासित होता है, ये विचार, ये भावनाएं, ये सब आपको बताती हैं कि आप चैतन्य हैं। बोध ये नहीं है। बोध है इन सब का विगलित हो जाना, क्योंकि ये जो सब उठ रहा है ये एक प्रकार की मानसिक अशांति है, विद्रूपता है। चैतन्य जब ठंडा पड़ के, हल्का पड़ के अपने स्रोत में समाहित हो जाता है, जब विचार की तरंगें शिथिल पड़ जाती हैं, उसको बोध कहते हैं। तो कॉन्शियसनेस अवेयरनेस नहीं है, दोनों को एक ही अर्थ में प्रयुक्त न करें। अब यदि चैतन्य शुद्ध है तो वो जरूर आत्मा है। शुद्ध चैतन्य क्या होता है? जो अहंकार मिश्रित न हो। पहला सूत्र यही है आज आपके सामने। क्या कह रहा है? चैतन्यम आत्मा, चैतन्य ही आत्मा है, पर मात्र तब जब चैतन्य विशुद्ध चैतन्य हो। जिसे हम चैतन्य बोलते हैं वो नहीं आत्मा। वो मन है, वो हम है। हम लोग सब यहाँ क्या करना है? मतलब पृथ्वी अगर कोई है, आत्मा का इच्छा कारण है हर किसी परेशानी का, अहंकार है उसके वजह से। जब सवाल पूछें तो ज़रूर देखें कि उस सवाल के पीछे क्या है जिस पर आप सवाल नहीं उठा रहे। आपने मुझसे पूछा था कि शरीर, मन और आत्मा, इनमें भेद क्या? तो मैंने कहा आप अपने सवाल पर सवाल तो कर ही नहीं रहे। आप इस बात पर तो सवाल उठा ही नहीं रहे कि क्या शरीर, मन, आत्मा वास्तव में पृथक हैं। इसी तरीके से आपने पूछा है कि हम इस पृथ्वी पर क्या करने आए हैं। इस प्रश्न में क्या है जिस पर प्रश्न नहीं किया जा रहा? हाँ, कि आप इस पृथ्वी पर क्या आए भी हैं? क्या इस पृथ्वी जैसी कोई चीज वस्तुतः है भी? और क्या आप कहीं अन्य जगह से आए हैं? ये बातें आपने मान रखी हैं। सत्य का साधक मानी हुई बातों को आधार बना के प्रश्न नहीं करता। वो पहले उस पर ही प्रश्न उठाता है जो कुछ उसने मान रखा है। जो मान रखा है पहले उस पर प्रश्न उठाओ। किसको कहते हो पृथ्वी? कैसे पता कि वो है भी? क्यों मानते हो कि तुम कहीं से आए हो? ये मानने की शुरुआत कैसे हुई? यदि प्रश्न ही निराधार हो तो उसके उत्तर की कोई कीमत होगी? पहले ये तो तय कर लो कि प्रश्न निराधार नहीं है। ये जैसे शास्त्रों में और इनमें भी पढ़ते हैं कि मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, और क्या बोलते हैं, देवता लोग भी इसमें आना चाहते हैं। तो ये सब पॉइंट हैं जिनसे हम ये मानते हैं कि हम कहीं से आए हैं, हम मनुष्य जन्म है और हम पृथ्वी पर हैं। वो शास्त्र क्या पशुओं के लिए लिखे गए हैं? नहीं, पशुओं के लिए लिखे जाते हैं तो उनसे कहा जाता पशु जन्म बड़ा दुर्लभ है। आपसे यही तो कहा गया है कि मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। ये थोड़ी कहा गया है कि बाकी जन्म बड़े सुलभ हैं। तो आप उतना ही पढ़िए ना जितना आपसे कहा गया है। आप आगे की कल्पना क्यों कर लेते हो? आपसे यह कहा गया है कि अभी जो तुम्हें मिला हुआ है वो कीमती है और यहीं से तुम्हारी मुक्ति निकलेगी। बस इतना कहा जा रहा है कि जो मिला है उसका आदर करो, जो सामने है
वहीं से तुम्हारे लिए दरवाजा खुलेगा। बस ये कहा जा रहा है। कहां वह दरवाजा खुलेगा? जहां को भी जाना चाहते हो। पहले बताओ जाना कहां को चाहते हो। यही तो अभी अभी बात हो रही थी कि हमें नहीं मालूम, अगर हम ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पे कहां से आए हैं तो इसका मतलब हम एग्री करते हैं कि हम कहीं और से आए हैं। ओ तो तुम करते ही हो। और अगर हम ये कह रहे हैं कि हमें कहीं जाना है तो हम ये भी एग्री कर रहे हैं कि हमने कहीं और जाना है। वो करते ही हो क्या? ऐसा नहीं कहते हो क्या? ये नहीं माने बैठे हो कि कहीं जाना है क्या? ये नहीं कह रहे हो? आज तक मुझे नहीं पता कि मैंने कहां जाना। हाँ ये ठीक है, ना पता हो भले ही, पर कुछ चाहिए, जो चाहिए उसी का दरवाजा खुलेगा। भली बात है कि नहीं पता कि क्या चाहिए, नहीं तो एक जबरदस्त घटना घटी होती, तुमने पा ही लिया होता। कई होते हैं जिनमें कम से कम इतनी विनम्रता होती है कि जैसे अभी आपने कहा वो स्वीकार कर लेते हैं कि नहीं पता कि क्या चाहिए। कई और पहुंचे हुए होते हैं, उन्हें पता भी चल जाता है कि उन्हें क्या चाहिए, और वो इससे भी आगे निकलते हैं, जो उन्हें चाहिए उसे वो प्राप्त भी कर लेते हैं। भला है कि अभी तक तुमने प्राप्त नहीं कर लिया। सेल्फ क्या है? यही रियलाइज करना सेल्फ रियलाइजेशन है। आप जिसको सेल्फ बोले जाते हो वो क्या बला है? सेल्फ आत्मा हो गया सेल्फ रियलाइजेशन। अब क्या बचा? तो देखिए आप ये भी रियलाइज करते हो कि दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। अब बचा क्या? जब हमें इतना कुछ पता ही होता है तो अब क्या बचा है, शेष क्या है रियलाइज करने को? सब होशियार है, सब जानते हैं। आदमी अगर चीजें पढ़ता है, समझा रहता है तो वही फिलोसफी अब चल जाती है आदमी, फिर इनको भी मतलब चीजों को पढ़ना छोड़ देना चाहिए। ये इसीलिए सिर्फ उनके काम आ सकती हैं जो एक बिंदु पर पहुंच चुके हों, अपनी योग्यता प्रदर्शित कर चुके हों, या फिर उनके जो इन्हें किसी योग्य शिक्षक की छाया में पढ़े। अन्यथा ये बहुत घातक होते हैं। तुम इन्हें पढ़ोगे और तुम इनका अपने मन माफिक अर्थ कर लोगे। निर्भर करता है कि किसके लिए दुर्लभ है। जिसको दिखाई ना देता हो उसके लिए तो दुर्लभ है ही। किसके लिए दुर्लभ है? जिन्हें मिलना होता है उन्हें मिल जाते हैं, जिन्हें नहीं मिलना होता उनके लिए दुर्लभ है।